नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचर। सपा बसपा की गठबंधन होने पर समाजवादी पार्टी, व्यापार सभा और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जुलूस निकाल, बांटी मिठाइयां। समाजवादी पार्टी, व्यापार सभा महानगर आगरा और बसपा के नेतृत्व में ताजगंज स्थित खद्दर भंडार चौराहे से एक विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस नवादा बाजार, सब्जी मंडी, श्यामलाल मार्ग, MP पुरा गुम्बट होते हुए पुरानी मंडी चौराहे पर समाप्त हुआ, जहां सपा और बसपा के कार्यकर्ता उत्साहित दिखे और कार्यकर्ताओं, व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया व जमकर नारेबाजी की और मिष्ठान वितरण किया। सपा व्यापार सभा महानगर अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी ने कहा कि सपा और बसपा के गठबंधन होने से मौजूद सरकार के द्वारा मजदूर, किसान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, दलित लोगों का जो शोषण हो रहा था वह अब नहीं होगा और आने वाले 2019 के चुनाव में गठबंधन 78 में से 78 सीटें जीतने का काम होगा। वहीं रजत फौजदार ने कहा कि सपा बसपा के गठबंधन होने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सपा बसपा गठबंधन यूपी के इतिहास रचेगा। समाचार टीचर के लिए आगरा से संतोष निषाद की रिपोर्ट। आज इस गठबंधन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? रजत जी बताए। सपा बसपा के गठबंधन में होने वाली इस राजनीति की, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? आज बड़ा ही हर्ष का विषय, पूरे देश और प्रदेश में जिस भ्रष्टाचार से जनता जूझ रही थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके जनता के बीच में गरीब, बेरोजगार, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, किसान, तमाम लोग परेशान थे सरकार से। उस सरकार को तोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके एक संदेश दिया है कि आने वाले 2019 के चुनाव में गठबंधन करके हम लोग जो प्रदेश में और देश में गुंडा राज, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व्यापारियों का शोषण, आम जन का शोषण, हमारे मजदूर भाइयों का शोषण, हमारे गरीब भाइयों का शोषण जो आज से जूझ रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए गठबंधन किया गया है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 78 सीटों पर, और 78 की 78 सीटें बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जैसा कि आगरे में मैं अपने युवा साथियों के द्वारा जो उत्साह देख रहा हूँ, जो रोडों पर उत्साह मिल रहा है देखने के लिए, मुझे उससे पूर्ण उम्मीद है आने वाले समय में जो गठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चित ही लोगों के भेदभाव दूर होंगे, क्योंकि पूर्ण में जो सरकार चल रही है वो हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, आपस में दूरियां बनाने का काम कर रही है, लेकिन गठबंधन की सरकार आपस में से नफरत निकालने का काम कर रही है, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जय भीम, जय समाधान। आप क्या कहना चाहेंगे? सारी बातें तो मेरे भाई अग्रवाल जी ने कह दी, बिल्कुल सब सत्य है। जो लोग परेशान हो चुके हैं इस पार्टी, सब चीजों से परेशान हो चुके, महंगाई, GST और ये दुनिया भर के काम उन्होंने कर डाले, हिंदू मुसलमान का झगड़ा दिखा दिखा के, अब इस चीज को बदलने का मौका आया है और ये बदला जाएगा इंशाल्लाह 2019 में। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने जो निर्णय लिया है, उन सबको हम अपने आप स्वीकार करते हैं, उनका आदेश मानेंगे और अच्छी तरीके से वोट करेंगे। थैंक यू।